दोस्तों आईपीएल के 16वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने जीत के साथ शुरुआत की। उसने अपने पहले मैच में 5 बार की विजेता टीम मुंबई इंडियंस को हराया। आरसीबी का अगला मैच 6 अप्रैल को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है। लेकिन दोस्तों उस मुकाबले से पहले टीम के लिए बुरी खबर सामने आई है। युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। दोस्तों इस बात की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि पाटीदार टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। उनके पैर में चोट है, वो फिलहाल नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब में हैं। पाटीदार ने पिछले सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 8 मैचों की 7 पारियों में 333 रन बनाए थे। इस दौरान रजत का औसत 55 का रहा था। दोस्तों पाटीदार ने 153 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। उन्होंने एक शतक भी लगाया था। आरसीबी ने रजत पाटीदार के बाहर होने की जानकारी दी। आरसीबी ने ट्वीट में लिखा, दुर्भाग्य से एड़ी की चोट के कारण रजत पाटीदार आईपीएल 2023 से बाहर हो गए हैं। हम रजत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उनके साथ पूरी टीम खड़ी है। लेकिन दोस्तों कोच और प्रबंधन ने अब तक रजत के रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। दोस्तों रजत पाटीदार के आईपीएल करियर की बात करें तो पाटीदार ने आईपीएल में अब तक 12 मैच खेले हैं। इस दौरान 40 की औसत और 144 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 404 रन बनाए हैं। उनके खाते में एक शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल है। रजत के प्रथम श्रेणी करियर को देखें तो उन्होंने 52 मैचों में 45 की औसत से 3,795 रन बनाए हैं। इस दौरान 11 शतक और 22 अर्धशतक लगाए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2023 में आरसीबी की तरफ से रिप्लेसमेंट खिलाड़ी कौन सा होगा, कमेंट करके हमें जरूर बताना। और ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।